तो हे हेलो गाइस, कैसे हो सारे। मैं आपका दोस्त और होस्ट आगी। एक बार फिर से मैं और भैया जैक खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की सर्वाइवल सीरीज। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक Q&A किया था जिसमें आपने गाइस काफी ज्यादा सपोर्ट और प्यार दिया। तो गाइस, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। भैया जैक तो भाग ही गए थे, मुझे फिर रियल वॉइस में बोलना पड़ा। तो गाइस, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर ना देखा हो तो देख लेना। और गाइस, आज के वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि गाइस, आज के वीडियो में मैं और भैया जैक ड्रैगन एग को हैच करेंगे, मतलब कि ड्रैगन को रिस्पॉन्ड करने की तैयारी करेंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी ना किसी देरी के, क्यों भैया वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ शाउट आउट के साथ। हाँ भैया, चलिए फिर जल्दी से शाउट आउट देते हैं ना। और तो तुम लोग तो जानते हो, जैक का एक ही फंडा रहता है, वो भी तोड़ने फोड़ने वाला 2.5 किलो वाला शाउट आउट। लेकिन तुम लोग तो जानते हो, जैक कुछ दिनों से 2000 किलो का शाउट आउट दे रहा है, लेकिन हो सकेगा तो कुछ दिन बाद 3000 में भी कन्वर्ट हो ही जाएंगे। लेकिन आज तो हम फिलहाल 2000 किलो के शाउट आउट से काम चलाएंगे। तो मेरी तरफ से सभी को तोड़ने फोड़ने वाला 2.5 किलो का शाउट आउट। ओए शाउट आउट बोल दिया, ये क्या बोल रहा हूँ मैं। और तो तोड़ दो फोड़ दो और भाषणबाजी तो मचा ही दिया करो कमेंट सेक्शन में। और गाइस, मेरी तरफ से सभी को एकदम बड़े वाला शाउट आउट, वर्ल्ड का गाइस सबसे बेस्ट शाउट आउट आपके लिए यार। ओ यार, वीडियो को स्टार्ट कर ही देते हैं मुन्ना। हाँ भैया, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं ना। हे भैया, आज काफी काम पड़ने वाला है, इसीलिए भैया एकदम तैयार रहिएगा। ओए मुन्ना, तेरा भैया हमेशा रेडी रहता है, एवर रेडी भी रहता है। हाँ भैया, चलिए ठीक है। चलिए भैया, आज हम अपने विलेजर को थोड़ा सा खाना भी खिला देते हैं ना। भैया बेचारा कितने दिन से भूखा होगा। ओए ये भी बात सही है, रुक जा मैं अभी ब्रेड देता हूँ। और विलेजर ब्रेड खाएगा क्या? उधर क्यों मुँह किया है, इधर ले ब्रेड खा ले। बहुत बहुत शुक्रिया जानी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेड देने के लिए। और चल ठीक है, कोई बात नहीं, चल मुन्ना अब चलते हैं आगे की ओर। हाँ भैया, चलिए चलते हैं। चलिए भैया, अपने पांडा को भी देख ही लेते हैं ना। ओए पांडा ठीक ही होगा, और क्या मुकू को देखना। ओए मुकू कैसा है, अंदर क्या कर रहा है, बाहर तो आता ही नहीं आजकल। ओए मुन्ना, ये बसंती यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं भैया क्या कर रही है, लेकिन भैया बैठे रहने दीजिए ना। ओए मुन्ना, ये विलेजर पता नहीं आजकल काम क्यों नहीं कर रहा है, अंदर तो डाल दिया लगता है, एक बार बाहर आने के बाद पूरा काम ही भूल गए हैं। ओए काम पे ध्यान दो ना, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो। हे भैया, लगता है उनका मन नहीं है काम करने का भी। बाद में कर लेंगे ना। ओए चल ठीक है, बाद में कर लेंगे, तब भी ठीक होगा इनके लिए, नहीं तो जैक उन्हें तोड़ भी देगा। चल मुन्ना, अब पांडा को देखने चलते हैं। हाँ भैया, वैसे पांडा तो ठीक होगा, चलिए भैया फिर भी देख कर आते हैं क्या जाता हम लोग का। ओए पांडा किधर चला गया, ओए किधर है, ये रहा भैया। एकदम बढ़िया तो लग रहा है। ओ ये ले बैम्बू खाएगा क्या, ये ले खा ले। आहा एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया किया। ओए चल बढ़िया तो फिर ठीक है, यहाँ पर स्विमिंग पूल बना दिया तेरे लिए, नहाया वगैरह भी कर। चलिए भैया वो ठीक है, नहा लेगा ना। हे भैया, चलिए अब पांडा को देख ही लिया है, अब भैया साथ साथ विली को ही देख ही लेते हैं ना। नहीं तो भैया विली नाराज हो जाएगा कि भैया हम लोग पांडा को देखने जाते हैं लेकिन हम लोग विली को देखने नहीं जाते। और चल ठीक है, फिर देख ही लेते हैं विली को। ओए विली मेरे भाई, किधर चला गया, उधर क्या कर रहा है, इधर आ। है भैया ये बताइए, विली खाता क्या होगा? ओए मुझे क्या पता, मैंने पढ़ा है क्या इनके बारे में। है गाइस, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि विली लोग खाते क्या हैं। वैसे तो भैया मैंने सुना नहीं है कुछ खाते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, मुझे भी नहीं पता। और वो तो पता नहीं, जो भी खाता हूँ मैं तो पहले कुकीज खाऊंगा। और भैया ये देखिए, हम लोग का भैया कोको बीन फार्म, जो कि भैया हमने पिछली बार बनाया था। और वैसे सही तो चल रहा है ना, चलिए भैया ट्राई करके देखते हैं। वैसे तो भैया काम कर रहा है, देखिए भैया सारी कोको बीन एक बार में टूट जाती हैं, मज़ेदार है ना भैया। ओए मज़ेदार तो भाई है, तभी तो हम लोग कुकीज़ बन पाई हैं। हाँ भैया वो बात तो सही है। चलिए भैया, काफ़ी सारी आ जाती हैं एक बार में। और चलिए भैया इनको फिर से लगा भी देते हैं ताकि भैया जल्दी से बड़ी हो जाएं, और भैया हम लोग बहुत सारे भैया कुकीज़ बना सकें। ओह चल ठीक है, बना लिया, इतने रख देते हैं, बाद में कुकीज़ वगैरह बनाएंगे, क्योंकि मुन्ना आज काफ़ी ज़्यादा काम है। हाँ भैया काम तो है, लेकिन भैया हम लोग को अपना काम नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भैया हमारे प्यारे गौरव को फूल चढ़ाना। ओए मुन्ना, वो काम कैसे भूल सकते हैं, उसकी टेंशन तू मत लिया कर। हाँ भैया चलिए फिर ठीक है। आज भैया अपने गौलम को कौन सा फूल चढ़ाए? ओए मुन्ना, वैसे पॉपी ही उसको पसंद रहता है, चल आज फिर से पॉपी ही चढ़ा देते हैं। हाँ भैया चलिए फिर ठीक है, जल्दी से चलते हैं। ओए मुन्ना ये बता, ड्रैगन एग को हैच करने से ड्रैगन दोबारा आ जाता है क्या? हाँ भैया दोबारा आ जाता है, और भैया दोबारा उतना बड़ा फिर से हो जाता है, फिर से भैया उसके पास दोबारा उसकी पावर भी आ जाती है। इस बार तो भैया वो हमें देखते ही मारने को दौड़ेगा, क्योंकि भैया वो जानता होगा कि भैया हमने उसको मार दिया था।
और चल ठीक है, उसकी टेंशन मतलब ड्रैगन वगैरह तो संभाल ही लेंगे। और मुन्ना तू तो अपने भैया की पावर जानता है ना, पता नहीं पूरे माइनक्राफ्ट में चर्चा है तेरे भैया की पावर की। हाँ भैया चलिए ठीक है। चलिए भैया अपने गोलम को तो पॉपी चढ़ा दिया। अब भैया ड्रैगन एग के लिए थोड़ा सा तैयारियां कर लेते हैं, क्योंकि भैया हम लोग को दोबारा स्ट्रांग होल्ड के पास जाना पड़ेगा। और भैया हम लोग को कुछ इंड क्रिस्टल भी बनाने पड़ेंगे। और अब ये इंड क्रिस्टल भला क्या है भैया, ताकि तो हम लोग ड्रैगन को समान कर पाएंगे। ओए मुन्ना, अब ये इंड क्रिस्टल नाम का कौन सा नमूना आ गया है भैया? इंड क्रिस्टल नमूना नहीं है भैया, ये एक ऐसी चीज है जिससे भैया हम लोग इंड ड्रैगन को स्पॉन कर सकते हैं दोबारा से। ओए मुन्ना, लेकिन भला हम लोग इंड ड्रैगन स्पॉन कर क्यों रहे हैं? है भैया, मैं देखना चाहता हूँ कि भैया वो कैसे स्पॉन होता है। और भैया फिर से हम लोग उसे मारेंगे और भैया तोड़े फोड़ेंगे भी। और तोड़ने फोड़ने की टेंशन तू मत ले, हम लोग तो उसे तोड़ फोड़ के बराबर भी कर देंगे। हे भैया, लेकिन हम लोग को नेदर में चलना पड़ेगा। ओए अब उस नेदर में क्यों जाएगा, उस घटिया नेदर में? हे भैया, नेदर में चलना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया हम लोग को घास टियर चाहिए, जिससे भैया इंड क्रिस्टल में जो लगता है बनाने में। ओए मुन्ना, तू और कहीं भी चल लेता, लेकिन तू नेदर में जाने क्यों बोलता है? पता है ना नेदर में कितना खतरा रहता है? हाँ भैया, नेदर में खतरा तो रहता है। लेकिन भैया आज हम लोग को घास्ट का शिकार करना पड़ेगा, और भैया उनसे उनका टीयर चाहिए होगा। ओए अब देखते हैं, चल ठीक है, मरेंगे नहीं तो बची जाएंगे। ओए मुन्ना, तू देख रहा है ना, हम लोग पास 63 लेवल है। हाँ भैया मैं देख रहा हूँ। और ये एक घटिया सा पता नहीं सर चकरा देता है। ओए मुन्ना, तेरे चक्कर में पता नहीं तेरे भैया को क्या क्या करना पड़ सकता है आगे। हे भैया थोड़ा सा कर लीजिए ना। इतना तो भैया हम लोग रोज ही करते हैं ना। ओए वो बात तो सही है, लेकिन मुन्ना बहुत लंबा प्रोसेस पड़ जाता है। एक तो नेदर इतने खतरे वाला चीज है। हे भैया आप डरते हैं क्या? ओए तू पगला गया है क्या? तेरा भैया कभी किसी से डरा है क्या? हाँ भैया वही तो है। लेकिन भैया फिर बोल क्यों रहे हैं? ओए मुन्ना, तो मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, हमारे पास लेवल देख कितने सारे हैं, अगर एक बार गलती से मर भी गए तो क्या होगा? और बदला तो मुन्ना तेरा भैया फिर ले ही लेता है, और तोड़ फोड़ के बदला लेता है। चलिए भैया अब चलते हैं ना जल्दी से। बस भैया चार घास टियर को मारने हैं, तो भैया हम लोग को चार ही चाहिए घास टियर। चार को भैया मार देंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन भैया ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि भैया चारों के बाद हम लोग को घास टियर मिल जाए। वही अब ये भी चक्कर रहता है क्या? हाँ भैया ये चक्कर तो रहता ही है। जैसा कि भैया हम लोग इंडरमैन को मारते हैं, तो भैया हम लोग को हर से एक इंडरपल नहीं मिलती। वैसे भैया घास टियर का चक्कर भी यही रहता है। ओए तब बवाल तो करना ही पड़ेगा। ओए घास लोग पता नहीं कहाँ चले गए। ओए नमूनों कहाँ चले गए? ऐसे तो उड़ते रहते थे उड़न तस्करी जैसे। ओए मुन्ना आज दिखाई नहीं दे रहे। हे भैया वो रहा सामने। ओए तो रुक जा, तेरे भैया के मार से बचेगा क्या? निकल ले, बहुत मारूंगा। ए भैया आपने मार दिया उसे। ए भैया ये देखिए एक और रहा। ओए तो ये भी टूटेगा मुन्ना, टेंशन क्यों ले रहा है? ओए ये ले, मार दिया मुन्ना, घास टियर दिया क्या? हाँ भैया दिया होगा, रुक जाइए भैया नीचे चलते हैं। हे भैया वो रहा घास टियर। ओए मिल गया क्या, कहाँ पर है? हे भैया ये रहा व्हाइट कलर का। ओए यही है क्या, छोटा सा पिद्दी सा घास टियर है? हाँ भैया यही तो बहुत भैया काम की चीज़ है। इससे भैया कई सारे पोषण भी बनते हैं। ओए पोषण तो ठीक है, लेकिन ये इंडरमैन क्यों पगला रहा है? तेरे भैया से मार खाना चाहता है क्या? है भैया उसको आग लग गई है, इसलिए इधर उधर भाग रहा है। ओए तब तक मैं नमूनों को ही तोड़ दूँ। एक ये रहा मुन्ना, ये ले इसको भी मार दिया। देख घास टियर मुन्ना कहीं गिराया होगा। हे भैया पता नहीं आप किस जगह मारते हैं, शायद भैया घास टियर लावा में ही गिर गया होगा, लेकिन भैया फिर भी चलिए चल कर देखते हैं। ओए एक तो ये सोल सैंड पता नहीं मुन्ना इतना धीमा हम लोग को कर देती है। हाँ भैया हम लोग को सोल वाले बूट पहन कर आने ही चाहिए थे। ओए हमारे पास सोल वाले बूट भी है क्या? नहीं भैया, हमारे पास सोल स्पीड 2 की एक बुक है, जिससे भैया हम लोग इंचेंटमेंट कर सकते हैं। और तो पहले ये चीज करना चाहिए था ना, आप नेदर में आके क्या बोल रहा है? ओए चलिए भैया कोई बात नहीं, हम लोग भैया इतने तो काबिल है ही हैं कि भैया बिना सोल स्पीड के हम लोग यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। और रुक जा, पहले नमूनों को तोड़ने दे, वो तो मुन्ना हम लोग के पे काबिलियत है ही है। ओए ये देख मुन्ना दो दो आ गए। हाँ भैया दोनों को तोड़िए फिर से। ओए ये निकला एक, और दूसरा तू कहाँ भाग रहा है? ओए ये क्या लगा, कैसा नहीं जैक का निशाना, अब लगेगा, निकल ले। हे भैया वो तो दोनों मर गए। लेकिन भैया गलत प्लेस पर मरे। हे भैया ये रहा है। ओए तो मुन्ना तेरे कहने से पहले ही मार दिया। ओ ये क्या, इधर मुन्ना लावा है। हाँ भैया लावा है। गलत प्लेस पर फिर से मार दिया। हे भैया हम लोग को इनको इस तरह से मारना पड़ेगा, ताकि भैया ये लोग जमीन पर आए और भैया हम लोग को घास टियर दे सके। अभी तो भैया हमारे पास दो ही हैं। जल्दी से भैया और भी मारिए ना। ओए मार तो रहा हूँ मुन्ना, चार पाँच मार दिए फिर भी कुछ नहीं मिला। और तू मुझे मारेगा, निकल ले हड्डी, नहीं तो बहुत मारूंगा।
और कहाँ चलेगा, एक तो ये रहा मुन्ना है भैया, उसको मारने से कोई फायदा नहीं। उसको नहीं मारेगा तो वह हमें मारेगा। है भैया बहुत दूर है। चल ठीक है फिर पास वाले को ढूंढते हैं, लेकिन खाना खा लेने से पहले। हाँ भैया खा लीजिए। और ये देख फिर से मारने लगा। और जैक से पंगा लेगा, तोड़ दूंगा, निकल ले नमूने। तू कहाँ से आ गया, ये ले तुझे मारूंगा। और मुन्ना वो रहा, हाँ भैया जल्दी मारिए। और ये ले मार दिया। और लाओ मैं तो नहीं गिरा है भैया। चलिए ठीक है, देखिए जल्दी से मिल जाए भैया घास टियर तो मजा ही आ जाएगा। ओए मुझे तो नहीं लगता मुन्ना घास टियर मिलेगा। ओए किधर है घास टियर। हे भैया लगता है फिर से नहीं मिला। हम लोग तो भैया किस्मत ही खराब है। ओए रुक जा, ओए लगा निशाना, मर गया मुन्ना। हाँ भैया चलिए फिर जल्दी से चलते हैं ना। शायद भैया दिया घास टियर। ओए रुक जा नीचे देख। ओए मिल गया। ओए मुन्ना बल्ले बल्ले सावा सावा भंगड़ा पाले। हाँ भैया नच बलिए। चलिए भैया एक और उड़िए। और भैया यहाँ जल्दी चलते हैं ना। ओए रुक जा पहले इन नमूनों को तोड़ने दे मुन्ना। ए भैया इन पर टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओए मार रहे हैं तो मार खा लें क्या, मारेगा तो है ही। हाँ भैया चलिए फिर ठीक है। ओए ये कौन सा कीड़ा है। ए भैया ये लावे में चलने वाला कीड़ा नहीं है। ए भैया इसे हम लोग एक प्रकार से पेट भी बना सकते हैं, मस्त है भैया। हम लोग को लावे में सर्वाइव करवा सकता है। ओ तो निकल ले। ए भैया मार क्यों रहे हैं, वो कुछ नहीं करता हम लोग का। ओ तो पहले बताना चाहिए था ना। और एक घास ढूंढ मुन्ना। हाँ भैया वो तो ढूंढ ही रहा हूँ उतनी देर से। लेकिन भैया मिल नहीं रहा, पता नहीं किधर है। ओ ये रहा। ओ तू मुझे मारेगा, ये ले। ओ मुन्ना इसके गुब्बारे को तो मैंने फोड़ ही दिया। हाँ भैया चलिए ठीक है। हे भैया घास टियर ढूंढिए ना। ओ ये रहा मिल गया। ओ मुन्ना देखा तेरे भैया ने चार घास टियर कलेक्ट कर लिए, इतना तो काफ़ी है ना। हाँ भैया काफ़ी है। और रुक जा मुन्ना, जब जा रहे हैं तो इसको भी निपटा कर चलते हैं। निकल लेना मुन्ने, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं जैक से पंगा ले ले। ये लो ये दो भी आ गए। ओए कहां से मार रहे हो, तू ऊपर चढ़ के मारेगा, निकल ले। एक कहां गया। ओए ये ले मार दिया। चलिए भैया टाइम ना वेस्ट करिए, जल्दी चलते हैं ना। अभी तो भैया हम लोग को स्ट्रांग होल्ड के पास भी जाना है ना। ओए मुन्ना बात तो सही कहे, मैं तो टाइम का ध्यान ही नहीं रख रहा था। हे भैया आप तो नमूनों को तोड़ने में लगे हुए थे। हे भैया हम लोग को ओनली चार घास टियर ही चाहिए था। ओ मुन्ना मैंने मारे तो 10-12 थे, लेकिन हम लोग को मिले चार ही, क्योंकि भैया आप लावे के उधर मार रहे थे तो भैया जितने भी घास टियर हैं सब भैया लावे में गिर जा रहे थे, इसीलिए भैया हम लोग को एक भी नहीं मिला। ओ ये भी बात सही है, चल फिर जल्दी से चलते हैं और क्या। हाँ भैया चलिए फिर जल्दी चलते हैं, क्योंकि भैया अभी हम लोग को थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करनी है। ओए अब कौन सी प्रिपरेशन करनी है। हे भैया ड्रैगन से लड़ने जा रहे हैं, किसी भैया ऐसे वैसे नमूने से नहीं लड़ने जा रहे हैं। हे भैया अभी हम लोग को थोड़ा सा हम लोग को आर्मर वगैरह पहनना पड़ेगा। और चल ठीक है उसको पहन लेंगे, पहले घर तो चले। और भैया सबसे बड़ी चीज़ हम लोग को अभी इंड क्रिस्टल 4 बनाने पड़ेंगे। ओ इंड क्रिस्टल, पता नहीं तो किस इंड क्रिस्टल की बात कर रहा है। हे भैया मैंने आपको एक बार बताया था ना इंड क्रिस्टल के बारे में। और रुक जा मुन्ना एक बार। ओ ये क्या रात भी हो गई यहाँ तो। ओए मुन्ना पता नहीं रात भी इतनी जल्दी कैसे हो जाती है। हे भैया चलिए कोई बात नहीं, अभी सोते हैं फिलहाल के लिए, गुड नाइट भैया। वाह क्या बात है, हो गया एक और नया सवेरा, सुबह हो गई, मामो जागो ग्राहक जागो। अच्छा है। ओए चल तेरे कहने से पहले ही जाग जाते हैं, तुझे बोलने की जरूरत है नहीं। चलिए भैया आप जल्दी से इन क्रिस्टल बनाते हैं। और भैया स्ट्रांग होल्ड की ओर उड़ान भरते हैं जल्दी से। और इन क्रिस्टल के लिए सामान तो लेना पड़ता है ना। हाँ भैया चलिए मैंने सामान ले लिया, इधर से ग्लास ले लिया। और भैया हम लोग को चाहिए इंटरपल। और अब इंटरपल किधर मिलेगी। हे भैया रुक जाइए, मैंने यहीं पर कहीं चेस्ट में रखी हुई थी, कहाँ गई, इधर भी नहीं है। ये रही भैया मिल गई। और तो फिर जल्दी से ले ले। चलिए भैया आई ऑफ इंडर थी, मैं तो भैया इंटरपल ही समझ रहा था। और तू इसी तरह समझता रहता है, चल जल्दी से बना ले जल्दी से। चलिए भैया जल्दी से बना लेते हैं इंड क्रिस्टल। और भैया हम लोग को 4 की जरूरत थी, और भैया ये बन गए 4 इंड क्रिस्टल। ओए इससे बोलते हैं क्या इंड क्रिस्टल, ये क्या रख क्यों नहीं जा रहा है। हे भैया इनको यहाँ पर नहीं रख रहा। और भैया ये ओनली ऑब्सीडियन ब्लॉक, और भैया बेडरॉक ब्लॉक में ही रख सकते हैं इसको ओनली। चल ठीक है जो भी हो, इन्हें तो मुन्ना मैंने कभी देखा है। हाँ भैया देखा भी होगा, और भैया खतरनाक भी होते हैं ये। क्योंकि भैया इनको छूते ही ये वहाँ पर ब्लास्ट कर देते हैं। और चल ठीक है अब जल्दी से हम लोग आर्मर पहनते हैं और यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। हाँ भैया जल्दी से मैं कुछ तैयारियाँ कर लेता हूँ।
ओए आज मैं उड़ाऊंगा रॉकेट, आज तो मजा ही आ जाएगा मुन्ना है। भैया आप नहीं उड़ाएंगे? किसने कह दिया आप रॉकेट उड़ाएंगे? ओए किसने क्या कह दिया, मैंने बोला ना आज मैं उड़ाऊंगा तो उड़ाऊंगा। ओए मुन्ना आज रॉकेट मैं ही उड़ाऊंगा। है भैया रहने दीजिए। आप भैया हमेशा गड़बड़ करते हैं। ओए मुन्ना वो गलतियां छोटी मोटी होती रहती हैं, क्योंकि मुन्ना तेरा ही डायलॉग है ना, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हे भैया ये रिस्की मामला है, इसमें भैया डायलॉग बाजी नहीं चलती। और चल ठीक है, ऐसा सा मुन्ना चलता रहता है। अब देख तेरे भैया की उड़ान कैसे भरता है, ये देख इलाइटर भी पहना हुआ है, अब कोई दिक्कत नहीं मुन्ना है। भैया रहने दीजिए, भैया गिरा दिया। ओ ये क्या गड़बड़ हो गई है, भैया मैंने पहले ही बोला था आप गड़बड़ करेंगे। ओए गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूँ, है भैया अब आप नहीं उड़ाएंगे। ओए मैं निकला दोबारा से रॉकेट लेकर, है भैया अब आप नहीं रॉकेट लेकर निकलेंगे। बहुत हो गया भैया आपका, पता नहीं क्या करते रहते हैं भैया, अभी तक आपने उड़ान भरना नहीं सीखी। ओए मुन्ना पता नहीं मैं भूल ही जाता हूँ। हे भैया आप बिना पता नहीं क्या करते रहते हैं। चलिए भैया अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे भैया भरी जाती है उड़ान, एकदम सिंपल तरीके से। और चल ठीक है, ये देखिए भैया सिंपल भरी उड़ान। और भैया ये देखिए रॉकेट चलाया, और देखिए भैया कितने आराम से हम लोग उड़ रहे हैं ना। ओए मुन्ना पता नहीं मुझसे गड़बड़ हो ही जाती है, मैं क्या करूं मुन्ना। चलिए भैया ठीक है, इमोशनल मत करिए। ये लीजिए रॉकेट। ओए मुन्ना ये कहना तूने बढ़िया बात। ओए दे रॉकेट, अब देख मुन्ना जैक कैसे उड़ता है। है भैया फ्लो फ्लो में उसके आगे ना निकल जाइएगा, जहां हम लोग को जाना है पता तो है ना आपको। ओए मुन्ना तेरा भैया रास्ता कभी नहीं भूल सकता, और भी कोई चीज भूल जाए। चलिए भैया तब तो ठीक बात है। चलिए भैया आराम आराम उड़ान भरिएगा, गड़बड़ नहीं करिएगा। ओए मुन्ना वो थोड़ा सा टेक ओवर के समय गड़बड़ हो ही जाती है, अब इतनी गड़बड़ मुन्ना चलती रहती है। हे भैया आपको पता है ना हमारी जान भी जा सकती थी। और भैया देखिए हमारे पास 63 लेवल है, सब चला जाता। और 60 लेवल है, हाँ भैया उतना ही है। लेकिन भैया फिर भी उतना लेवल चला जाता, कितनी मेहनत से भैया लेवल मिलता है आपको पता है ना। हम लोगों ने इंडर ड्रैगन को मारा था। ओए चल ठीक है मुन्ना, ये देख हम लोग लगभग पहुँच ही गए हैं। ओए वो देख वो टावर मिल गया है, भैया आराम से लैंडिंग कीजिएगा। ओए लैंडिंग पता है, रुक जा। ओए ये देख एकदम आराम से, हाँ भैया चलिए ठीक है। कम से कम भैया लैंडिंग तो अच्छी की। ओए मुन्ना ये रहा विलेज, चल विलेज में चलते हैं। हे भैया विलेज में क्या करने जा रहे हैं? हम लोग को भैया डायरेक्ट वहीं पर जाना है। ओए चल फिर ठीक है वहीं पर चलते हैं। ओए मुन्ना वो जो टावर है वहीं पर जाना है क्या? हाँ भैया वहीं पर जाना है। हे भैया आपको कुल मिलाकर वहीं पर लैंडिंग की करानी चाहिए थी, पता नहीं कहाँ पर लैंड करा दिया, अब भैया ऊपर चल के जाना पड़ेगा। ओए तो मुन्ना बताना चाहिए था ना। हे भैया आपको पता नहीं था क्या कि भैया उस टावर की उसमें से जाना है हम लोग को? ओए चल ठीक है पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। हाँ भैया वो तो पहुँच ही जाएंगे, लेकिन भैया हम लोग गिर ना पाए यहाँ से। और कैसे गिरेंगे मुन्ना, तू फौजी का भाई है, गिर कैसे जाएगा? ये देख पहुँच भी गए एकदम सिंपल तरीके से। ओ ये पकड़ी लैडर, और ये देख एकदम सरकते हुए नीचे आराम से जा रहे हैं हम लोग। हाँ भैया चलिए ठीक है, आराम से चलिएगा अभी भैया। ओ चल ठीक है मुन्ना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है, बहुत हो गया। ओ ये पहुँच गए एकदम स्ट्रांग होल्ड के पास। चलिए भैया इधर जल्दी से हम लोग एक बेड लगाते हैं, ताकि भैया हम लोग का रिस्पॉन पॉइंट सेट हो जाए। चलिए भैया मैं ही लगा देता हूँ, ये लगा दिया भैया बेड, और भैया ये पॉइंट कर दिया सेट। अब भैया हम लोग एकदम तैयार हैं पूरी तरह से। तो गाइस वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा ना, इससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और गाइस अगले पार्ट में हम लोग फिर से इंडर ड्रैगन से लड़ने वाले हैं, और गाइस देखने वाले हैं कैसे हैच होता है ड्रैगन है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और घंटे को तोड़ी फोड़ दीजिएगा। ओए तो गाइस मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक ले गाइस टाटा बाय बाय गुड बाय।